अगर आपको मुझ पे एतबार नहीं है तो आप छोड़ दें मुझे। क्या कहा तुमने? यही कि अगर आपको मुझ पे एतबार नहीं है तो आप मुझे छोड़ दें। छोड़ दूं तुम्हें? छोड़ दूं ताकि तुम उससे शादी कर लो? किससे शादी कर लूं अली? कौन है? आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? गॉड सेक शट अप, बंद करो बकवास अपनी। मेरा दिमाग खराब कर दिया तुमने। या अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ? हम ना मेरा ना सही, कम से कम आदिल का तो ख्याल कर लेती। बस कर दे जी, और कितना जलील करेंगे? आपने तो मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। क्या मैं अपनी सच्चाई अपनी जान देकर दूं? बच्चे को क्या हो गया? किसी से लड़के आया है क्या? अम्मा कुछ नहीं हुआ, बस ऐसी सीढ़ियों से गिर गया। नहीं नहीं, बैठो इधर। हमना, पता नहीं कहाँ मर जाती है ये। क्या हो गया मेरे बेटे को? अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ, आप फिक्र नहीं करें। क्या हुआ है? वो वही था। कौन वही? मैं पानी लेकर आती हूँ। कौन था? मैं कह रही थी ना, किसी से लड़ाई हुई है। अम्मा अम्मा मैंने कहा है ना, कुछ नहीं हुआ। खुदा की पनाह। अली और हमना की अज़दवाजी ज़िंदगी कश्मकश में थी और इसकी वजह इन दोनों में से कोई भी ना था। कोई बिन बताए चुपके से इनकी ज़िंदगी में आ गया था। दोनों परेशान थे, दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। Thank you.
इतनी रात को एसएमएस किसका था? पता नहीं, देखा नहीं मैंने। सुबह उठ के नाश्ता बना रही थी। इतना सबर कर लेती हो तुम? क्या मतलब अली? हम के ठहरे अजनबी इतनी मुदारातों के बाद, फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। एक ही छत के नीचे रहते हुए मियां बीवी यूं अनजान बन जाएं तो चुभता है, और ये चुभन दोनों के दिलों को घायल कर रही थी। लेकिन सदा से तो ऐसा ना था। जमील साहब की कोई ईमेल आई? नहीं, अभी तक तो नहीं आई, कल तक आ जाएगी। एक तो ये जमील साहब भी ना हद करते हैं, पहले कोटेशन मांगते हैं और फिर जब भेजो तो चुप साध के बैठ जाते हैं। सभी ऐसा करते हैं भाई। अगर सबने चुप का रोजा रख लिया तो हमारा काम कैसे चलेगा? ये भी है, रोजा रखे ना रखे लेकिन चुप का रोजा फर्ज समझ के रखते हैं। अच्छा मैं अब चलती हूँ। हम ना कॉफी पिए आज? नहीं सर, आई एम सॉरी, आज नहीं फिर कभी। वो मुझे खाला के घर जाना है। ठीक है भाई, हमारी तरफ से ऑफर थी जो रिजेक्ट हो गई। खैर थैंक यू। गई आज जरा देर नहीं कर दी आने में? अम्मी वो काम ज्यादा था आज ऑफिस में। काम ज्यादा था या कहीं घूमने गई थी? बेटा आपको किसने बताया? दादी ने। अच्छा देखिए मम्मा इसमें क्या है। कितनी प्यारी लग रही है, किसने भेजी है? पता नहीं बेटा, इस पे तो नाम ही नहीं है। शायद पापा ने भेजी होगी। नहीं बेटा, ये पापा ने नहीं भेजी। तो फिर किसने भेजी है? पता नहीं, आप ये दो मुझे। आप जाओ अपने कमरे में, मैं आती हूँ आपके पास। जी मम्मा। नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागजी है पैराहन हर पैकर तस्वीर का। यहाँ नक्श तो न था, एक तस्वीर थी हमना की, लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो तस्वीर भेजी किसने है? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? पता नहीं किसने भेजी है, नाम ही नहीं लिखा इस पे। नाम नहीं लिखा? अरे बगैर नाम के कोरियर वाले भी कोरियर नहीं भेजते यार। मुझे लगता है ये किसी ने यहीं से भेजी है। अरे कहीं तुम्हारी बर्थडे तो नहीं आज? नहीं, वो तो मार्च में आती है ना। अरे यार तुम्हें पता है मैं अक्सर तुम्हारी बर्थडे भूल जाता हूँ यार। कहीं आपने तो नहीं भेजी मेरी बर्थडे समझ के? अरे जब इतनी खूबसूरत बीवी सामने है तो मैं तस्वीर क्यों भेजूंगा? मैं मजाक नहीं कर रही अली, मैं सीरियस हूँ। अरे मैं भी सीरियस हूँ यार, मैं क्यों भेजूंगा तुम्हें तस्वीर? और जो भेज रहा उसको भेजने तो टेंशन किस बात की ले रही हो? दफा करो, सो बस, अब बंद करो लाइट। मैंने ये साइन कर दिया, उसको आगे फॉरवर्ड कर दो। जी सर।
हो, एक तो मैं ये सर से बड़ा तंग हूँ। कभी कभी निकल जाता है मुँह से। आई नो कि आपको अच्छा नहीं लगता। आइंदा नहीं होना चाहिए। अच्छा बाय, मुझे देर हो रही है, एक दोस्त के साथ लंच पे जाना है, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तस्वीर आपने भेजी थी? कौन सी तस्वीर? मेरी तस्वीर। कब? कल। नहीं तो, खैरियत? हाँ बस वैसे ही। क्या हुआ? नहीं, वो अक्सर आप ऐसे मजाक करते रहते हैं ना, तो आई थॉट कि आप। नहीं भाई, अब ऐसा भी नहीं है, मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं दफ्तर में जो आपको पसंद करते हैं, हो सकता है उनमें से कोई दिल हार बैठा हो। प्लीज सर। सर नहीं। ओके बाय। जब डर इंसान के दिल में बैठ जाए तो फिर जरा सी आहट से भी चौंक उठता है। हमना डरी हुई थी और फिर तहाइफ का सिलसिला कोई मामूली आहट नहीं बल्कि एक बाकायदा चीख थी। अभी तो एक ही सुनाई दी तो आसान खता हो गए। आगे आगे देखिए। हमना जी अम्मी, ये लो। ये क्या है? हमने क्या पता क्या है? तुम्हारी चीज है? हमने कौन सा खोल के देखा है इसको? अच्छा मैं देखती हूँ। तोहफा कैसा लगा तुम्हें? कौन सा तोहफा? क्यों आज कोई तोहफा नहीं आया? वो आपने भेजा था। अरे मैंने कैसे भेजा होगा यार, मैं तो खुद अपनी शादी की सालगिरह का तोहफा देना भूल जाता हूँ तुम्हें। अली मैं बहुत परेशान हूँ, कौन भेज रहा है ये तोहफे? अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है यार, जो भेज रहा है भेजने दो, छोड़ो तुम संभाल के रखती जाओ। नहीं मुझे नहीं चाहिए ये तोहफे। ना उसका नाम पता है ना कुछ और मालूमात है, तो कैसे पता करूं कि कौन है? यार इग्नोर करो, परेशान होगी तो और उलझोगी। कल वो शादिया चची के यहाँ जाना है यार, उनकी बेटी की सालगिरह है। तुम ऑफिस से कब आओ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जी तुम जितना सोचोगी उतना उलझोगी। जिस दिन वो शख्स मेरे हाथ चढ़ गया ना, उसका वो हशर करूंगा कि वो याद करेगा। और मैं जिसे जानता नहीं हूं, जिसे मैंने देखा नहीं, उसे मैं कैसे पकड़ लूं? उस पे सोचना और अपने आप को थकाना बिल्कुल फजूल है, इसलिए सोचना बंद करो। गुड। अच्छा आप ये बताओ कि कल शादी है चची के घर चलना है, मैं तुमसे कोऑर्डिनेट कर लूँगा, ठीक है? जी ठीक है। बहुत नींद आ रही है यार, मैं लेटने लगा हूँ। कभी नहीं हुआ था,
कौन मेरे सुकून के पीछे पड़ गया था? अली मेरी मुश्किल को समझ ही नहीं पा रहे थे। सो रही हो? जब ही मैं कहूं कि काम क्यों नहीं हो रहा? नहीं सर, बस वैसे ही थकी हुई थी तो सोचा थोड़ी नींद कर लूं। आप बताएं। I know टाइम खत्म होने वाला है, मगर अगर तुम ये फाइल चेक कर लो तो अच्छा होगा। मैं कल बाहर जा रहा हूं, आज ही साइन कर दूंगा। प्लीज। जी सर, मैं कर देती हूं। ग्रेट, यही बात तो है तुम में जो और किसी में नहीं है। बाय द वे, आज बहुत अच्छी लग रही हो। बाज आ जाएं आप। कब और कहां हूं बस ये बता दें। तौबा है। आपको क्या हुआ? कोई देखे आके तो पता चले क्या हुआ है मुझे, कोई पूछता ही नहीं, सब मसरूफ है भाई यहाँ। अच्छा, एक मिनट मुझे दिखाया। अरे मियां, आप कम से कम बता ही देती हैं आपको बुखार। बेटा मेरी जो उम्र है इसमें ये छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती है, पर औलाद तो पूछे ना आके कि कोई तकलीफ तो नहीं है। अच्छा चले कुछ करते हैं। अम्मी मैं एक्चुअली आपके पास इसलिए आया था कि वो आज शाजिया चाची के यहाँ जाना। बस उन्हीं को खुश करते रहो, माँ का तो कोई ख्याल ही नहीं। अरे क्यों नहीं है माँ का ख्याल? आपने दवाई खाई? हाँ ली तो है दवा। अच्छा चले मैं आपका सर दबा दूँ। जानबूझ के लेट नहीं हुई। बेटा बहू को तो कोई ख्याल ही नहीं है, ये तुझे होता है। सुबह उठ के ऑफिस चले गए और शाम को आए और धर्म से घर में गिर गए। काम हमने भी किए हैं। अरे अम्मी अब ऐसा भी नहीं है, घर को तो देखती है वो, लेकिन अब सफाई और झाड़ू पोछा नहीं कर सकती वो। बेटा सारे घर का काम मैं ही करती हूँ। मैं तो ये कहती हूँ उससे जॉब छुड़वा दो। क्यों? काम के बहाने औरतें पता नहीं बाहर क्या क्या करती हैं। अम्मी क्या कह रही हैं आप? हम ना ऐसी नहीं है। अगर उसने जॉब छोड़ दी ना तो ये घर का खर्चा अकेले मुझसे नहीं चलेगा। वो मसरूफ रहती है, घर को भी देखती है और मेरी हेल्प भी हो जाती है। बेटा इतना एतमाद अच्छा नहीं है। बेटा ये तोहफे कौन भेज रहा है उसे? तोहफे पता नहीं कौन भेज रहा, हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो। दफा करें आप। दफा करूं? तुम कह रहे हो दफा करूं? कोई तुम्हारी बीवी को तोहफे भेज रहा है और तुम कह रहे हो दफा करूं? औरत को समझना इतना आसान नहीं है। उसका दिल समंदर से भी ज्यादा गहरा होता है। उसमें क्या क्या लहरें उठती हैं कोई नहीं। मैं भी आई तो ये यहाँ पड़ा हुआ था।
अली, अली इसमें मेरा क्या कसूर है अगर मुझे कोई गिफ्ट भेज रहा है? ये आखिर तुम्हें ही क्यों गिफ्ट भेज रहा है? किसी और को क्यों नहीं भेजता? मुझे क्या पता? तुम्हें सब पता है, वो अलग बात है कि तुम बताना नहीं चाह रही हो। इससे गलती होगी, मुझे बहुत पहले तुमसे पूछना चाहिए था। अब जबकि सबूत सामने आने लग गया, अभी तुम कहती हो कि तुम्हें शक नहीं करूं। सबूत? कैसे सबूत अली? ये गिफ्ट मुझे कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है? ना आपको पता है और ना मुझे। हाँ मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि तोहफे तुम्हें कौन भेज रहा है, लेकिन तुम जानती हो। अली चाची क्या नहीं जान? नहीं जाना, जाके अम्मी को देखो। ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं। तुम इंशा जी का नाम ना लो, क्या इंशा जी सौदाई हैं? ये बातें झूठी ही सही, लेकिन क्या ये तहाइफ भी झूठे थे? जब बात बहुत दिन तक दिल में रहे तो उसका दम घुटने लगता है, वो बाहर आना चाहती है, ताज़ा हवा खाना चाहती है। ऐसा है कि कल हम खुद उनसे जाके कह देते हैं कि हम इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, मगर मेरा ये ख्याल है कि वो चाहते भी यही है कि हम एक बार उनके पास जाएं। हम ना कहाँ हो तुम? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जी मैं सुन रही हूँ। नहीं तुम नहीं सुन रही, क्या हुआ है, कोई मसला है? कुछ नहीं, आप बताएं। क्या बात है? कहा ना कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा ये लो पानी पियो, कम क्या पता वो गिफ्ट्स कौन भेज रहा है, पर अली को लग रहा है जैसे मैं जानती हूँ। वो गिफ्ट्स अभी तक आ रहे हैं? जी देखें, अगर ये आप भेज रहे हैं ना तो प्लीज बंद कर दें ऐसा मजाक, मेरा घर बर्बाद हो रहा है। नहीं नहीं मैं क्यों करूंगा, और अगर मुझे करना होता तो मैं तुम्हें बता देता। पता नहीं कौन कर रहा है, कौन भेज रहा है, सुकून तो मेरे घर का बर्बाद हो रहा है ना। अगर तुम्हें ऑफिस में कोई परेशानी हो, कभी जल्दी जाना हो, छुट्टी चाहिए हो तो मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा। जी अच्छा अब स्माइल करो, और अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो घबराने की क्या बात है, सच दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। ओके रिलैक्स। दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। मशवरे तो बराबर आ रहे थे और तहाइफ का सिलसिला भी तवातुर से चल रहा था, लेकिन अली हत्ते से उखड़ने लगा। कल तक हमना के साथ था, आज माँ के साथ जा खड़ा हुआ। बस इतनी ही देर लगती है शक को जड़ पकड़ने में। मुझे अम्मी के लिए मेडिसिन लेने में आता हूँ। हो गया, पागल तो नहीं हो गए आप? क्यों भेज रहे हो मुझे तोहफे? कौन हूँ मैं तुम्हारी? छोड़े मुझे, क्या कर रही हैं? क्यों पीछे पड़े हो मेरे सपनों के? जीने दो मुझे खुशी से। आपको कोई गलत फहमी हुई है? मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई। क्या हुआ? अली ये कोई शख्स है जो ये सब कर रहा है? समझाएं यार आप इन्हें कोई गलत फहमी हुई है? भाई मैं ऐसा क्यों करूँगा जबकि मैं इन्हें जानता तक नहीं हूँ। ये झूठ बोल रहा है, ये कब से मुझे घूर रहा था और हमारा पीछा भी कर रहा था। सॉरी भाई। नहीं अली इसे पकड़े ना, इसे पूछे ये क्यों कर रहा है ये सब कुछ। रे 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 र
क्या जरूरत है ये सब तमाशा करने की? मैंने कोई तमाशा नहीं किया अली, ये वो ही शख्स था। शट अप। मुझे लग रहा था मैं अकेली हूँ, कोई मेरे साथ नहीं था, कोई मेरी पोजीशन समझने के लिए तैयार ही नहीं था। मेरा दिल चाह रहा था मैं मर जाऊँ बस। हम नाम के घर कब जाएंगे? पता नहीं बेटा। क्यों पता नहीं? मेरा बहुत दिल कर रहा है उनसे मिलने का। हाँ लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा। आपका दिल क्या कर रहा है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं अल्लाह मियाँ से मिलूँ। अल्लाह मियाँ से कैसे मिलते हैं? बेटा जो अल्लाह मियाँ के पास चले जाते हैं ना वो मिलते हैं अल्लाह मियाँ से। जो अल्लाह मियाँ के पास जाते हैं कभी वापस नहीं आते, जैसे दादू भी नहीं आई थी अब भी नहीं आएंगी। मैं क्या करूँगी वापस आके? अगर आप वापस जाएंगे तो मुझे भी वहाँ लेके जाएं, मैं भी आपके साथ वहाँ रहूँगा। बेटा ऐसी बातें नहीं करते। नहीं कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे गिफ्ट नहीं देता। बेटा चलो उठो हम होमवर्क करते हैं। पहले आप मुझसे वादा करें कि आप भी मुझे अल्लाह मियाँ के पास लेके जाएंगे, वरना आप भी नहीं जाएंगे। अच्छा वादा, अब चलें। यस ठीक है। ये लीजिए अम्मी, सूप आ गया आपका। ठीक है इधर रख दो। अब दबाई रही हो तो जरा सही से दबाओ। जी मैम। अच्छा तुम्हारे बॉस का क्या नाम है? जी आतिफ इमरान। हाँ अच्छा अच्छा, शादी हो गई उसकी? मेरे ख्याल में नहीं हुई। तुम्हें इतना भी नहीं पता? एक ही जगह काम करते हो, पता तो होना चाहिए। उसे पता है तुम शादीशुदा हो? जी अम्मा। तुम्हें क्यों नहीं पता कि वो शादीशुदा है कि नहीं? वो कभी जिक्र नहीं किया उन्होंने। शादीशुदा होगा बताएगा थोड़ी, उसके चांस जो कम हो जाएंगे। चांस? कैसे चांस अम्मी? तुम नहीं समझी। अली की माँ को शक था कि ये सब आतिफ का क्या कराया है, लेकिन आतिफ को क्या जरूरत थी ये सब कुछ करने की? मैडम ये आपके लिए। नहीं चाहिए मुझे, ले जाओ उसे। आतिफ साहब ने भेजा है। अच्छा दो। हाँ मैं कर देता हूँ, कहा ना कर देता हूँ, कल कल नहीं परसों। मैं बाद में बात करता हूँ। ये क्या है? गिफ्ट है। ये तो मुझे भी पता है, लेकिन आपने क्यों भेजा है? मैंने तो नहीं भेजा। अभी तो मुझे कामरान ने बताया कि आपने दिया है उसे। कहा ना भाई मैंने नहीं भेजा। इसका मतलब है वो यहाँ तक भी पहुँच गया। अच्छा बैठो। साथ मिल गया तो वाकई तश्वीशनाक बात है। मैं क्या करूं मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। अली आप, अली अली बात तो सुने। आतिफ ने मुझसे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले लूं। छुट्टी तो मैंने ले ली,
मगर मेरी मुश्किल कम नहीं हुई। आपको ऐसा लगता है कि ये सब आतिफ कर रहा है? ऐसा नहीं है अली, आप उस दिन जिस लड़के के पीछे भागे थे, क्या वो आपको आतिफ जैसा लगा था? अली, आप बुरा तो नहीं मानेंगे, मेरी अम्मी से बात हुई थी, मैंने जिक्र किया था उनसे, हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था, उसने मेरा रिश्ता भेजा था, अम्मी ने इनकार कर दिया था, लेकिन उसको ये बात हजम नहीं हुई थी, फिर उसने बहुत तंग किया था हमें, फिर वो बाहर चला गया था, अम्मी ने मुझे बताया कि वो वापस आ गया है। अली, मुझे लगता है कि शायद ये वो ही है। कहानी का सिरा मिल गया था, नजरें उस किरदार पे गढ़ गईं जो दोनों की जिंदगी में तूफान मचा रहा था, लेकिन उस पे हाथ कैसे डाला जाए? छुपाओ नहीं, खोल के देखो। Sorry.
एक लम्हे की गलत फहमी बरसों की रफाकत और वफादारी पे सवालिया निशान लगा देती है। गलत फहमी का गला उसी वक्त घोंट देना चाहिए जैसे ही वो सर उठाए, वरना कभी कभी